तुम जुनेद से मोहब्बत करने का ढोंग रचाती हो और दूसरी तरफ मेरे ही सामने खड़ी होके तुम मासूम बन रही हो। दादी ना तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही कहती है, आखिर मरी हुई माँ से पैदा हुई हो, तुम्हारे हाथों कैसे कोई काम सही हो सकते हैं। जी अम्मी, वो मैं तुमसे पूछना चाहती थी कि तुमने रमल को समझाया। जी अम्मी, मैंने आपको बताया तो था, शायद आप भूल रही हैं। इसका वही रिएक्शन था, वो मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं है। वो समझ रही है कि मैं उससे दुश्मनी निभा रही हूँ। ऐसा लगता है वो मुझे बहन समझना ही नहीं चाहती, जबकि मैंने उसके लिए कभी बुरा नहीं सोचा। और अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि क्या तुम भी उसकी खुशी में खुश हो? क्या मतलब अम्मी, मैं समझी नहीं। देखो उम्मीद, रमल की शादी कभी ना कभी तो करनी है, लेकिन क्या हो अगर उसकी बात मान ली जाए और उसकी शादी जुनैद से कर दी जाए तो कैसा रहेगा? देखो जब अदील का रिश्ता आया था तो तुम ही थी ना जो चाहती थी कि मैं अदील से उसकी शादी कर दूं, तो क्या अब तुम खुश हो उस रिश्ते से? बताओ क्या कहती हो, क्या उसकी शादी कर देनी चाहिए, उसकी जिद मान लेनी चाहिए? नहीं अम्मी, जुनैद रमल से मोहब्बत नहीं करता, जुनैद मुझसे मोहब्बत करता है और मैं भी जुनैद को चाहती हूँ। तुम क्या कह रही हो उम्मीद, क्या हुआ? मैं तुमसे कुछ पूछ रही थी, जुनैद तो तुम्हारा दोस्त है ना, और रमल के लिए रिश्ता सही रहेगा? हाँ हाँ अम्मी, जुनैद मेरा अच्छा दोस्त तो है, मगर मगर क्या बेटा? पर आपको और बाबा को नीलम आंटी से जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं तुम्हारा जवाब सुनना चाहती हूँ। क्या तुम खुश हो इस रिश्ते से? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम अपनी बहन का बुरा नहीं चाहोगी, है ना उम्मीद? बिल्कुल अम्मी, जब रमल की इसमें खुशी है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है, मैं भी बहुत खुश हूँ। अम्मी मुझे ना यूनिवर्सिटी के लिए देर हो रही है।